मित्रों नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी आज आपको मैं मुखातिब करा रहा हूं और बनारस पूर्वांचल या प्रदेश के जाने माने प्रखर समाजवादी सेकुलरिज्म से काफी नजदीक से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव जी से, और आज हम उनसे जानना चाहेंगे सर्व सेवा संघ के बारे में, सर्वोदय के बारे में, भूदान आंदोलन के बारे में, और बनारस में राजघाट पर जो सर्व सेवा संघ का कार्यालय है रहा, और वर्तमान में आज 70 साल के बाद जिस तरह से उस सर्व सेवा संघ के कार्यालय, उस पूरे परिसर, उनके पुस्तकालय पर जो जिस तरह से हमला बोला गया है और एक तरह से पूरी तरह से उसे समाप्त करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उन गांधी के विचारों पर आधारित जो करीब जैसा बताया जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा पुस्तकें खुले आसमान के नीचे छोड़ दी गई हैं, वो बरसात के मौसम में वो पुस्तकें जो आम जनता के लिए छाप प्रकाशित की गई, उनको जगाने के लिए, गांधी के विचारों से जागरूक करने के लिए, तो आखिर क्या वजह है, हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये सर्व सेवा संघ है क्या जी? सर्व सेवा संघ आजादी के दौरान कांग्रेस ने कई ऐसे संगठनों को खड़ा किया था या निर्माण किया था जिनकी बुनियाद रखी थी, जिनका काम था सामाजिक और रचनात्मक कार्यों को करना, देखना, और उसके जरिए समाज में जो कुरीतियाँ थीं, जो गड़बड़ियाँ थीं, उनके खिलाफ एक चेतना जागृत करना। दरअसल जो स्वतंत्रता आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ राजनीतिक आजादी हासिल करने के लिए नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन आजादी के बाद हम किस तरह के भारतीय समाज का निर्माण करेंगे, हम किस तरह की भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे, इसकी भी कल्पना, इसकी भी संकल्पना उस आंदोलन के साथ थी। आजादी मिलने के बाद 1948 में महात्मा गांधी ने यह बात महसूस की कि अब जो भी कांग्रेस से जुड़े ऐसे संगठन हैं जो सामाजिक कार्यों को संपादित करते हैं, देखते हैं, आयोजन करते हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके उनका एक संघ बना दिया जाए। दुर्भाग्य रहा कि 1948 में ही 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। कुछ दिनों तक इस के बाद ये काम रुका रहा, और ये पहली बैठक वर्धा में हुई थी और गांधी जी उस समय थे, लेकिन उसके बाद फिर काम रुका रहा। इसके बाद 1948 के खत्म होते और संभवतः 1949 के लगभग सारे ऐसे गांधीवादी जो जैसे आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और तमाम सारे लोगों ने उस अधूरे काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और उसी दौरान वाराणसी में सर्व सेवा संघ की स्थापना की गई। सर्व सेवा संघ की स्थापना में ये वो सारे संगठन शामिल थे जो सामाजिक तौर पर कार्य करते थे। एक चीज और समझने वाली बात है यहां पर, जो आपने पूछा और जिस पर आपने चर्चा की अपनी प्रस्तावना में थी कि भूदान और सर्वोदय, तो भूदान और सर्वोदय सर्व सेवा संघ का ही एक हिस्सा है। दरअसल 1949 में जो चीन के अंदर क्रांति हुई और जो चीजें चीन के अंदर बदलाव आया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बदलाव आया, उसका असर भारतीय समाज पर भी पड़ा, और कुछ राज्यों में, खासकर दक्षिण के अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश वगैरह में जमीन को लेके झगड़े शुरू हो गए, खून खराबा शुरू हो गए। उस दौरान आचार्य विनोबा भावे ने इसके विकल्प के तौर पर भूदान का कार्यक्रम
शुक्र कि जमीन का उचित बंटवारा और जिनके पास ज्यादा जमीन है वो अपनी जमीनें दान करें, भूमिहीनों को दान करें, और इस मुहिम का बड़ा व्यापक असर हुआ, काफी असर हुआ। तो सर्व सेवा संघ, भूदान और समुदाय, ये सब एक साथ ही सारी चीजें चल रही थी। सर्व सेवा संघ साफ तौर पर अपने स्थापना काल से ही उसका उद्देश्य जो रहा है, और जो दस्तावेजों में भी देखने को मिल सकता है, उनकी जो विधान है या जो रजिस्ट्रेशन के कागजात वगैरह है, उनमें भी देखने को मिल सकता है कि इस संघ का राजनीतिक आंदोलन से कोई मतलब नहीं। सामाजिक जितनी चीजें हैं, और खासकर गांधी जी ने जिन सामाजिक मसलों को, मुद्दों को उठाया था और जिस तरह के भारतीय समाज की कल्पना की थी, उसको लेके एक रचनात्मक और सामाजिक मुहिम को चलाते रहा। तो इस उद्देश्य यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि देश के और कहीं भी किसी कोने में क्यों नहीं मुख्यालय बनाया गया हो। बिल्कुल, ऐसा लगता है, मेरा निजी तौर पर ऐसा विचार है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे राज्य थे जहाँ सामंती सोच कुछ ज्यादा थी, और इस सामंती सोच के चलते एक जो भेदभाव, शोषण की स्थिति भी कुछ ज्यादा ही थी। तो वाराणसी के राजघाट में संभवतः इसलिए इसके मुख्यालय को बनाया गया हो कि यहाँ से उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार दोनों की देखरेख की जा सकती है, अच्छे से यहाँ उसका संचालन, उसका संगठन बनाया जा सकता है, संभवतः यही मसला हो। तो सर्व सेवा संघ ने बहुत सारे काम भी किए, फसल अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं कि भूदान का काम सबसे बड़ा काम था, बहुत सारे शोध के कार्य हुए, बहुत सारे और चीजें हुई, लेकिन जैसे जैसे आजादी के मिलने के बाद हम आजाद हिंदुस्तान के निर्माण के सफर में हम आगे बढ़ते रहे, तो ये बड़ा लंबे विचार विमर्श का विषय है, फिर कभी इस पर विचार किया जा सकता है कि कौन से कारण रहे जिनकी वजह से वो पूरी जो मुहिम थी वो उद्देश्यों से भटकती चली गई, और भटकने का जो असर पड़ा वो सर्व सेवा संघ जैसे संस्थानों पर भी पड़ा। संसाधनों की कमी हुई या इच्छा शक्ति की कमी हुई, जो लोग सर्व सेवा संघ का संचालन कर रहे थे उनकी इच्छा शक्ति में कमी हुई, क्योंकि उसमें समय समय थोड़ी सी शिथिलता आनी शुरू हो गई। लेकिन 1974 में एक बार फिर सर्व सेवा संघ एक भारतीय सामाजिक हलचल और राजनीतिक हलचल के केंद्र बिंदु बना। वो तब हुआ जब संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ, और एक तरह से सारे सर्वोदयी और जयप्रकाश नारायण के अनुयायी और गांधीवादी उस आंदोलन में शामिल हुए, और एक बड़ा केंद्र बन गया राजघाट का सर्व सेवा संघ। उतना बड़ा केंद्र नहीं बना जितना बड़ा पटना का कदम कुआं जो जयप्रकाश नारायण का आवास था, लेकिन हाँ यहाँ बड़े पैमाने पर उस दौरान लोग रुके। तो संभवतः राजनीतिक आंदोलन में हिस्सेदारी हुई सर्व सेवा संघ की 1974 से लेके 75 और 77 तक। हाँ, एक हिस्सेदारी रही। इस हिस्सेदारी की वजह से भी थोड़ा सत्ता की नजर में ये केंद्र आया और उनकी आंखों की किरकिरी बना, लेकिन ये उतना बड़ा मसला नहीं है। दरअसल इस देश में आजादी के बाद से ही दो विचारधाराएं काम करती हैं, एक तो गांधी वाली और एक गांधी के परक्ष गोडसे वाली विचारधारा। ये टकराहट है, और ये टकराव जो है, ये गोडसे वाली जो विचारधारा है वो विचारधारा गांधी की हर उस सोच को खत्म करने पर उतारू रहती है, हर उस निशानी को खत्म करने पर उतारू होती है, जहां से उसको लगता है कि ये बीज, गांधी आंदोलन का बीज जो है, कहीं और फलने फूलने न लगे और विकसित न होने लगे। हालांकि वो अपने मकसद में आज तक कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन ये वैचारिक टकराव चल रहा, और ये उनके लिए एक मौका भी था जब 74 से लेकर के 77 तक सर्व सेवा संघ उस पूरी संपूर्ण क्रांति की धुरी बना। तो उस संपूर्ण क्रांति के दौर में जयप्रकाश जी के आह्वान पर जब सारे गैर कांग्रेसी दल एक हुए, उसमें
तत्कालीन जनसंघ भी शामिल हुआ, तो वो हमको लगता है कि बहुत करीब से सर सेवा संघ को जानने पहचानने और समझने का मौका भी मिला उनको, और जिसकी परिणति में बाद में उन्हें भी जब खुद वो सत्ता में आए तो उन्हें लगा कि ये कभी भी हमारे लिए हमारी विचारधारा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल, आपका सोचना एकदम सही है। उन्होंने करीब से देखा कि ये यहाँ से जो वैचारिक खुराक समाज को मिलती है वो खुराक हमारी विचारधारा से मिल नहीं खाती है और वो थोड़ा ताकतवर है। तो उस ताकत को तोड़ने की कोशिश जारी है। एक सबसे बड़ा कारण है वो गांधी, गांधी की सोच, गांधी का दर्शन। गांधी का सब दर्शन जो था हमेशा विकेंद्रीकरण का था। समाज की निचली इकाई को ताकत मिले, समाज की सर्वोच्च इकाई को ताकत न मिले। सर्वोच्च इकाई जो है सत्ता, सत्ता ताकतवर न हो बल्कि समाज की जो सबसे निचली इकाई है वो ताकतवर। तो वो जो विकेंद्रीकरण की सोच थी वो हमेशा सत्ता उससे घबराती रहती है। कोई भी सत्ता हो उसकी वो चाहती है कि ताकत हमारे पास है। तो ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की भी लड़ाई रही है। और लगता था सत्ता को कि ये जो इस तरह के जो संगठन संघ काम कर रहे हैं उसके साथ जो लोग जुड़े हैं ये कभी भी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो यही वजह है कि आज आजादी के 75 साल हो गए हैं, चुन चुन के उन निशानियों को, उन अवशेषों को मिटाने की कोशिश की जा रही है जहाँ से समाज की जो नई पीढ़ी है उसको कोई संदेश न मिलना शुरू हुआ। हाँ। और नई पीढ़ी को गांधी के विचारों से जुड़ते हुए भी वो नहीं देखना चाहते हैं, और पूरी कोशिश रहती है कि गांधी के विचार नई पीढ़ी तक कतई न पहुंचे। गांधी और गांधी के विचारों को लेके ये एक एक जो ताकत है वो ताकत जो है एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहिए, एक भ्रमपूर्ण प्रचार करती है। उसको अगर बहुत सख्त शब्दों में कहा जाए तो मिथ्या प्रचार, द्वेषपूर्ण प्रचार करना शुरू करते हैं। तो उनकी कोशिश तो लगातार जारी है, लेकिन गांधी के बारे में और उन सच्चाइयों से नई पीढ़ी को कनेक्ट करने के लिए जो काम होना चाहिए था शायद पिछले कुछ वर्षों में वो कमजोर पड़ा है। वो काम तेज होना चाहिए, मजबूती से होना चाहिए, क्योंकि गांधी ही और गांधी का विचार ही इस देश की यूं कहा जा सके आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है। और बिना रीढ़ की हड्डी के कोई समाज और कोई मुल्क ठीक से तन के खड़ा नहीं। और इस यही वजह है कि यहाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया शुरुआत में ही कि जैसा सर सेवा संघ के सर्वोदयी लोगों का कहना है कि उस वहाँ उस परिसर में, राजघाट परिसर में करीब 5 लाख किताबें थी गांधीयन थॉट पर, गांधीयन फिलॉसफी पर, गांधीयन सोच पर, वो सब तहस तहस कर दिया गया। वो सिर्फ सर्व सेवा संघ नहीं बल्कि वहाँ एक काम और चला करता था, गांधी अध्ययन पीठ का काम। वहाँ तमाम शोध कार्य होते रहे और वो शोध कार्य बड़े कीमती है। और एक ऐसा शोध कार्य वहाँ होता रहा है जो सिर्फ पुस्तकों पर आधारित नहीं होता था बल्कि समाज के बीच जाके समाज के लोगों की स्थिति को का सही आकलन करते हुए, उनसे बातचीत करके, उनसे कनेक्ट होते हुए तब वो शोध कार्य उनको स्वरूप दिया जाता। बिल्कुल, तो बहुत सारी किताबें और गांधी दर्शन से जुड़ी किताबें, लाखों किताबें आज दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है मुझे लगता है कि जो अपनी इस तरह की विरासत नष्ट करने की कोशिश करे, उन्हें सहेज की और संजो के रखने की कोशिश होती है। कभी कभी शर्म सी लगती है कि हम किस दौर में जी रहे हैं जब हम अपनी इन विरासतों को अपने ही हाथों नष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अगर ये जो सर्व सेवा संघ है या सर्वोदयी लोग हैं इसमें जो लोग भी जुड़े, आपने बताया कि कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या आजादी के बाद जो सामाजिक
कार्य करती रही, उससे ये जुड़ा संगठन रहा। तो और खास तौर पर अभी आपने लोकतंत्र की भी बात की, तो लोकतंत्र की रक्षा को लेकर के भी ये संघ सुना जाता है, कहा बताया जाता है कि बहुत सक्रिय रहा है। हाँ बिल्कुल, गांधी का पूरा दर्शन लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जी, और ये बड़ा लक्ष्य था इस संघ का भी कि हम देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को ताकतवर बनाएंगे, उनके क्षरण को होने नहीं देंगे, रोकेंगे। और समय समय पर जब कभी भी इस तरह के आंदोलन हुए हैं तो वहां ये देखने को मिला है इस सर्व सेवा संघ के से जुड़े हुए लोगों की सक्रियता, जो भी उनकी क्षमता रही हो, 2, 4, 10, 20 जो भी लोग रहे हैं, उन्होंने वो न सिर्फ उसमें शामिल हुए बल्कि उसमें अच्छी खासी भूमिका निभाने की भी उन्होंने कोशिश की है। अगर आप देख लें तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, जिसको जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया, वो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए था। और उस संपूर्ण क्रांति में सर्व सेवा संघ एक मजबूत, जिसको कहा जाए रीढ़ की हड्डी की तरह बना रहा, एक न्यूक्लियर केंद्रीय भूमिका में रहा सर्व सेवा संघ और इससे जुड़े तमाम संगठन उसमें शामिल रहे। और उसके बाद यानी 1977 में चुनाव होता है और 80 में फिर सत्ता परिवर्तन होता है, तो 80 के बाद से अब तक के हिस्से को, अब तक के कालखंड को अगर देखा जाए तो इन कालखंडों में जब कभी भी ऐसे लोकतांत्रिक विषयों पर खतरा मतलब दिखाई दिया, यहाँ गांधी थॉट से जुड़े लोग और सर्व सेवा संघ से जुड़े लोगों ने अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई उसमें। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, कारण है सत्ता की आंखों का खिड़की जी, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष पूरा या कुछ बुद्धिजीवी या सामाजिक समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि आज फिर से देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का पराभव हो रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है वो उन पर कुठाराघात हो रहा है, तो इन आरोपों के बीच जब एक चीज हो सकता है कि सत्ता पक्ष को तक भी ये बात निश्चित तौर पर पहुंची होगी कि पूरे देश में ये एक विचार फैलाया जा रहा है कि सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर सर्व सेवा संघ की भूमिका पहले की तरह कहीं सामने आती है तो ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। एक चीज बड़ी साफ है और बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं और जो भारतीय फिलॉसफी भी है तो मानी हुई बात है कि आप खंजर से व्यक्ति को मार सकते, सोच को नहीं, विचारधारा को नहीं, विचारधारा को नहीं मार सकते, और व्यक्ति से ज्यादा मजबूत होती है विचारधारा जी। व्यक्ति तो खत्म हो जाता है, विचारधारा सदैव माने वो आत्मा की तरह है, अजर अमर है जी। और वो जब शरीर धारण करती है तो ज्यादा ताकतवर बन जाती है। इस खतरे से ज्यादा है, इस खतरे को ध्यान में रखते हुए वो सारे अवशेष, वो सारी स्मृतियां, वो सारे केंद्र, वो सारी विरासत मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये खतरनाक है इस मुल्क समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए। जिन विरासतों पर हमें गर्व करना चाहिए हम उन विरासतों को नष्ट करते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती है कि इतनी बड़ी संस्था जो गांधीयन थॉट को लेकर के चल रही है, जिसको आगे बढ़ाने का काम जयप्रकाश जी ने किया, विनोबा भावे जी ने किया, और भी जो समाजवादी लोग रहे, कांग्रेसी लोग रहे, वो सभी एक तरफ से कहा जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन के जो दिग्गज अग्रिम पंक्ति के लोग रहे वो सारे इससे जुड़े रहे, लेकिन हाल के दिनों में या इसके गठन के बाद से ही हम अगर लेकर के चलें, समाजवादी
जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वो लोग हमेशा इससे थोड़ा दूरी बना करके रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है? हाँ, एक तो हम थोड़ा सा इस बात में और स्पष्ट कर दें इसको कि आप जब समाजवाद पे बात करेंगे तो आज की समाजवादी पार्टी उससे अलग कर, उससे अलग कर, तो कहीं वो उसके पसंद के बराबर भी नहीं है, ना उसका कोई समाजवाद से कोई नहीं। लेकिन जो सोशलिस्ट मूवमेंट रहा और सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा जयप्रकाश नारायण भी थे जी, जयप्रकाश नारायण और कई सारे लोग, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उस, हाँ, और वहां से बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद फिर सोशलिस्ट बाहर निकले, हालांकि वो लंबा एक इतिहास है, नहीं, नहीं चाहते थे, चाहते थे क्या थे, वो तो समाजवादी जो आंदोलन था वो आंदोलन, उस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण थे, अच्युत पटवर्धन और बहुत सारे लोग थे। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी, थोड़ा सा अलग हटके एक बात कही थी, और ये बात वो अक्सर कहते हैं, उन्होंने परिभाषित किया था गांधीवादियों को, उन्होंने कहा तीन तरह के आज गांधीवादियां आजाद हिंदुस्तान में, तीन तरह के गांधीवादी हैं, एक तो सरकारी गांधीवादी जो सरकार में थे, एक मठी गांधीवादी, उनका इशारा संभवतः इस तरह की संस्थाओं की तरफ था, और तीसरा पूजात गांधीवादी जिसमें वो खुद अपने आप मानते थे। तो सवाल है कि थोड़ा सा समाजवादियों ने वहां से दूरी बनाई और आज फिर वो फिर उसी तरफ लौट रहे हैं। ये बात तय मान लीजिए कि गांधी के बिना इस देश में न तो समाजवाद खड़ा हो सकता और न कोई और सोच और विचारधारा जो समानता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो, उसका केंद्र बिंदु हमेशा गांधी रहेंगे। गांधी के बरत कोई लोकतांत्रिक और समानता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित दर्शन और अभियान खड़ा ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए आज जो बचे खुचे समाजवादी हैं वो जैसा आदमी तो यही कहेगा कि उन सभी को गांधी की वैचारिक विरासत को न सिर्फ सहेज के रखने की आवश्यकता है बल्कि उसको विकसित करने की, उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। गांधी ही इस देश की का एकमात्र रास्ता है, इस समाज का एकमात्र रास्ता है। और शायद यही वजह रही होगी कि अभी कल ही गुरुवार को जो वरुणा किनारे शास्त्री घाट पर जो महारैली हुई सर्वसेवा संघ और सर्वोदय लोगों की, उसमें किसानों का भी प्रतिनिधित्व हुआ, समाजवादियों का भी, जो समाजवादी मतलब समाजवादी पार्टी से मेरा तात्पर्य नहीं है, वो समाजवादी सोच के लोग जुड़े जिसमें कि योगेंद्र यादव जी भी थे, प्रशांत जी भी थे, मेधा जी भी थी, उन लोगों ने एक तरह से फिर से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने और गांधीयन विचार को अक्षुण रखने के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए जो एक संकल्प लिया है, हमको लगता है कि ये जो पूरा तबका है, खासतौर पर किसान, मजदूर, गरीब, जो सर्वहारा वर्ग, ये अगर एक साथ फिर से जुटता है तो निश्चित तौर पर देश की जो दिशा है वो कुछ निश्चित तौर पर उसमें कुछ परिवर्तन भी आएगा। बिल्कुल, देखिए बिना सामाजिक चेतना के जी, और उस सामाजिक चेतना के जो सामाजिक चेतना आजादी के आंदोलन से उपजी जी, उस सामाजिक चेतना को फिर से पुनर्जीवित और मजबूत किए बिना आप देश और समाज में आमूलचूल परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते। आधा अधूरा हिस्सा ही रहेगा, यानी हम कहने को आजाद हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजों को लेके जी रहे हैं जो अंग्रेजों की विरासत है या उनकी उसी ढांचे में चली जा रही है। हमको अगर बदलना है, हमको अगर दुनिया की ताकत बनना है, तो हमको 140 करोड़ लोगों को गांधी विचारधारा के अंदर
तैयार करना होगा। और गांधी की का जो मॉडल रहा है, वो चाहे सामाजिक मॉडल हो, चाहे उसको आप आर्थिक मॉडल कहें, चाहे वो राजनीतिक मॉडल कहें, उसी मॉडल के तहत ही ये देश ताकतवर बन सकता है और दुनिया में अपनी नई पहचान का है। बहुत सारे साम्यवादी जो विचारधारा थी वो आप देख लें दुनिया में कमजोर होती चली गई। आज जिस तरह पूंजीवाद बढ़ रहा है वो भी खत्म होने के कगार है। और फिर जो गांधी की सोच है, जो गांधी का दर्शन है, और जो विशुद्ध भारतीय है दृष्टि, उसमें पूरे विश्व की है लेकिन भारत की जमीन पर पांव टिकाए हुए खड़े हैं, उस मॉडल को ही विकसित करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी गांधीयन सोच के बारे में कुछ थोड़ा ज्यादा जानकारी मिलेगी। सर्व सेवा संघ है क्या और इसे बचाना कितना जरूरी है वो भी लोग समझ पाएंगे, और क्यों इस पर आक्रमण हो रहा है इस बात को भी काफी लोग समझ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। पुनः हम लोग इस पर अगले विषय के साथ जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। घर का भी उनको दिखा दें, सस्ती में निकलिए भाई, बाहर निकलिए। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना। अब जबरदस्ती मीडिया के सामने आप लोग रकस क्रिएट कर रहे हैं, सब पता है आपको? नहीं ठीक है, आप दिखाइए, नोटिस दिखाइए, हमें पता है। आदेश पे हम आए हैं वो बात दिखा रहा हूँ। शांत रहिए। हाँ पवन, हाँ पवन, चलिए 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 चलिए, महात्मा गांधी अमर रहे, लड़ेंगे हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में महात्मा गांधी अमर रहे।
लिए तैयारी ले रहे थे, लेकिन सुबह 7 बजे के आसपास पूरा पुलिस फोर्स आकर इसमें टैंकर कैंपस में घुस गए हैं। कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं दिखा रहे थे, लेकिन हम लोगों को अरेस्ट करके लिए ले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग यही मांग रहे थे कि आप ये दीजिए, ऑर्डर दीजिए, लेकिन ऑर्डर नहीं दे रहे। बंद करो। सेवा संघ पे जबरन कब्जा बंद करो। मोदी योगी शर्म करो। गांधी विचारों की हत्या बंद करो। सेवा संघ पे जबरन कब्जा बंद करो। गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। प्रशासन के अधिकारियों, आप भी उसी कंपटीशन से गए होंगे। अगर गांधी के प्रति तनिक भी ममत्व है, अगर वर्दी से ऊपर उठ करके सोचते हैं, तो इस प्रक्रिया में आप साथ मत दीजिए। आप अपनी औलाद को, अपनी पीढ़ी को क्या जवाब देंगे, ये आपसे सवाल है। कुछ नहीं है। आदेश के निर्देश के अनुसार हम सिविल कोर्ट में आ गए। कल सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी थी, दिन भर मजिस्ट्रेट साहब नहीं बैठे, हम लोग इंतजार करते रहे। हमारे 4-5-6 वकील भी बैठे थे, हम लोग भी 8-10-12 लोग थे, जिसमें ये सारे लोग थे, हम लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन शाम तक बैठे नहीं, कोई निर्णय नहीं हुआ। अभी अचानक सवेरे जो है SDM साहब, मजिस्ट्रेट, ये पूरी पुलिस फोर्स आ गई। हम लोग तो अपने काम में लगे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, अचानक मालूम हुआ पुलिस फोर्स आ गई। आया, देखा, हमने पूछा SDM साहब जानते हैं, उन्होंने कहा नहीं, वो खाली करवाया जाएगा, आदेश है। हमने कहा क्या आदेश, दिखा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको नहीं दिखाएंगे, आप कभी, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इससे नहीं, आप वकील साहब को बुलाइए। वकील साहब को, हमने कहा ठीक है, मैं खड़ा हूँ, वकील साहब को बुलाया, वकील साहब आ गए हैं। तब तक ये सारा घरों में जा करके सबसे खाली करवा रहे हैं कि आप जो है खाली करिए। हमने कहा आदेश तो दिखाई, 3 बार मैंने पूछा। जब मैंने थोड़ा सा वहाँ खड़े होकर के इतना ही कहा कि ठीक है, हम यहाँ बैठते हैं, क्योंकि मेरा श्वास भी अच्छा नहीं है। फिर दरोगा जी, वो साथी थे, वो पकड़ के ले आ गए, नहीं आप चलिए। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप जो आदेश करेंगे। फिर तब से हम आकर के यहाँ बैठे हुए। खैर, उनकी सज्जनता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आप बैठी, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तब से मैं बैठा हुआ हूँ। अभी जब हमारे सारे साथी आ गए हैं, लोग आ गए हैं, बस इतनी बात थी, भाई हमारे वकील साहब आ गए, उनको दिखा दीजिए। वकील साहब को भी नहीं दिखा रहे हैं, तो उसी पर हम लोग यहाँ बैठ गए। हम तो उधर ही बैठ रहे थे जहाँ धरने पर, वहाँ भी नहीं बैठने दिया, तब हम लोग यहाँ आकर के बैठ गए हैं। बस आप सब लोगों से प्रार्थना है, और जो हमारे पुलिस के लोग हैं, सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कल आप लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट से, सिविल कोर्ट से क्या हुआ कल आप जो गए थे? साथी, कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने, कोर्ट में बैठे ही नहीं। अगर सुनवाई हो गई होती, उन्होंने फैसला दे दिया होता, तो हम हाई कोर्ट जाते। लेकिन हम जब हमें कोई आदेश मिला ही नहीं, तो हम आगे कैसे जाएं? भाई ये तो सामान्य प्रक्रिया है ना, वो देंगे हम जाए, क्योंकि उन्होंने यही कहा भाई आप वहाँ से पहले या तो आदेश आपको मिलेगा, या आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास आइए। तो ठीक है, वो रिजेक्ट कर दें, फिर हम जाएंगे। लेकिन रिजेक्ट भी नहीं किया, हमें पता भी नहीं है, और उससे पहले ही जो है वो पुलिस फोर्स आ गई खाली करवाने के लिए। तो हमारा केवल इतना कहना है, और इतना ही विरोध है, कि भाई अगर आपने फैसला दे दिया वो बता दीजिए, अगर आपने रिजेक्ट किया वो बता दीजिए, हमको एक दिन का समय दीजिए, हाईकोर्ट में जाने दीजिए। वहाँ अगर हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देता है, तो एक दिन का और समय दे दिया हमको, सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी अगर रिजेक्ट कर देता है, तो कोई नहीं, आप फिर इन सारे भवनों को कब्जा कर लीजिए, यहाँ जो लोग हैं उनको बुलडोजर के नीचे जला दीजिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं, हम तो कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और मांग रहे हैं, बस इतनी सी बात है।